पैदा हुआ है तो तू भाई ईसाई क्यों बनना चाहता है और ईसाई क्यों बनाना चाह रहा है? इस प्रश्न का उत्तर दे मेरे को। हतेज बोल भाई, दुनिया को सुने, मैं तेरे साथ ईसाई बनने को तैयार हूँ। तू ये बता हिंदू धर्म में क्या कमी है, पहले तो ये बता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में कोई कमी है। अच्छा अच्छा, ना मैं हिंदू धर्म को गलत कह रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म गलत है। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मैं बचपन से हिंदू हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं या पढ़ लिया था ना सारे, गीता है वो है, मुझे उनकी कोई नॉलेज नहीं है। जब तेरे को एक चीज की नॉलेज है ही नहीं, जब तेरा पिताजी हिंदू थे, तेरे दादाजी हिंदू थे, परदादाजी हिंदू थे, जब तुम हिंदू ही पैदा हुए हो तो तेरा ऐसा किसने ब्रेन वॉश कराया कि भाई तू ईसाई बनने पर मजबूर हो गया? हाँ बोले। एक्चुअली देखो, जैसे कि अब मान लीजिए एक बच्चा हिंदू पैदा हुआ, ठीक है, हाँ पैदा हो गया, ठीक है, हाँ, और क्या बोलते हैं, आपको पता है कि कितनी सारी न्यूज आती है कि बच्चे को कई बार कूड़े में फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मान लीजिए उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हिंदू का बच्चा कूड़े में फेंका गया, मतलब मान लीजिए आप, हम मान लिया कि किसी भी धर्म का हो सकता है, हाँ मान लीजिए हिंदू है और वो उसके उसका जो पालन पोषण हुआ वो एक मुस्लिम फैमिली में हुआ। अच्छा, हाँ तो उठा लिया किसी ने, अच्छा उठा लिया, अब लोग जो जानते हैं उसको मुस्लिम के नाम से जानते हैं। अच्छा, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो हिंदू का है, तो उसका क्या धर्म है? उसका कोई धर्म कौन है? अब वही बच्चा अगर किसी मुसलमान और किसी ईसाई ने फेंक रखा हो और हिंदू के आदमी ने उठा लिया हो, क्योंकि जितनी मानवता हिंदू धर्म में है ना, इतनी मानवता तो मेरे हिसाब से किसी धर्म में है ही नहीं। तू बता दे, होता है भाई, हम हिंदू हर किसी सिचुएशन में किसी भी की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या हिंदू धर्म में किसी भी ग्रंथ में पढ़ ले कि कहीं भी भाई ये लिखा हुआ भाई मांस का भक्षण करना है? ईसाई खाते हैं नॉन वेज, मुसलमान खाते हैं, हिंदू धर्म में किसी भी ग्रंथ में, जब तक ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर रखा तो तू ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये हिंदू किस तरीके से बेकार है। तूने अपने मुंह से बोला कि मैंने ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, गीता पढ़ तू, रामायण, महाभारत, कुछ भी पढ़े, जब तक एक चीज का अध्ययन नहीं करा, जब तूने उस चीज का पता ही नहीं, तो तूने अपना धर्म क्यों छोड़ा? बस तू मेरे को ये बता। मैंने इसलिए छोड़ा, हाँ, कि जो बाइबल की जो शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा तूने पढ़ ली? जो बाइबल की जो शिक्षा है ईसाई के साथ, उनसे बाइबल की शिक्षा तो ना पढ़ ली? हाँ जी। और कितना ना पढ़ी तुमने? क्यों भाई, घर में किसने सिखाया? घर में किसने, इस घर में किसने ये सिखाया कि तू बाइबल पढ़? ये और बता, घर में किसने सिखाया कि तू बाइबल पढ़? जब घर में किसी ने ये नहीं सिखाया कि तू गीता मत पढ़ या गीता पढ़, तो घर में दोस्त सब, फिर दोस्तों ने ये नहीं कहा कि भाई तू, अच्छा स्कूल कौन सा था? ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ा है और हिंदू धर्म के स्कूल में पढ़ा है? क्या जो स्कूल था वहां क्या था भाई, मदरसे में पढ़ा है, तू मुसलमान हो भाई, ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ा है, तो तेरे ऐसे दोस्त हो, जो तेरे दोस्त थे वो हिंदू थे या ईसाई थे? वो हिंदू थे, वो हिंदू थे, तेरे दोस्त भी हिंदू, तेरे घर वाले भी हिंदू, तो तू ईसाई कैसे बन गया मेरे भाई? मेरे को दे देना क्रॉस, मैं ले चलूंगा, तू मेरे को सेटिस्फाई कर दे। मैं कट्टर हिंदू आदमी हूँ, तू अपने तरीके से मेरे को अभी मेरा धर्म परिवर्तन करा सकता, अगर तू मेरे को मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। मेरा मानना है कि जो ये कहना कि धर्म परिवर्तन, हाँ हाँ हाँ, जो क्रिश्चियनिटी है ये धर्म परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन है क्रिश्चियनिटी, क्यों धर्म परिवर्तन नहीं है? क्योंकि मैं ईसाई बन जाऊंगा और अपने बच्चों को भी ईसाई बनाऊंगा। अच्छा, क्यों नहीं बनाऊंगा? तू बता दे, जब मैं चर्च में जाने लगूंगा, जब मैंने अपना मंदिर छोड़ दिया, मैंने भोले शंकर भगवान को छोड़ दिया और मैं कृष्ण में जाकर वो मोमबत्ती सी जलाऊंगा, तो मैं ईसाई बनाया नहीं बनाया? और मेरी अगली पीढ़ी क्या होगी? भारत में जितने भी हैं, भारत पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जितने भी मुसलमान हैं, उन सब के पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? तू बता दे भाई, जब बाबर आया, मैं बताता हूँ, मैं इतिहास पढ़ रखा मैंने, जब बाबर यहाँ पर आया उस टाइम पे यहाँ कोई भी मुसलमान नहीं था, बाबर के आने के बाद उन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए, उसके बाद आए तुम्हारे अंग्रेज। आज इतना खतरनाक खतरा हमारे देश को मुसलमानों से नहीं है जितना खतरा इन भाइयों से है। ये हमारे भाई ये पीठ में इतना बड़ा छुरा लेके बैठे हैं, हमें ईसाई बनाने में मजबूर हो रहे हैं, भाई सुधरो। और मेरे पास तो अकेला एग्जाम्पल नहीं है, मेरे पास यहाँ दिल्ली में इतने एग्जाम्पल है जिसकी कोई हद नहीं है। एक तो चाय वाला है, इतना परेशान है, उसकी पत्नी ईसाई बन गई, हर रविवार को जाती है चर्च में, ठीक है, और 16 साल का लड़का है और दूसरे अभी एक लड़की हुई है, वो अभी किस लिए? तुम्हारे धर्म वालों ने क्या बोल दिया? ये 16 साल का लड़का है और दूसरे अभी एक लड़की हुई है, वो अभी किस लिए? तुम्हारे धर्म वालों ने क्या बोल दिया? ये करना पाप है, वो करना पाप है, फलाना धमकाना सो डाल के इतना ब्रेन वॉश कर देते हो, तुम कैसे करते हो भाई ये? वो बच्चे का, जैसे कोई बच्चा है, इस तरीके का कोई सिस्टम होगा कि भाई ये बच्चा है, ठीक है,
बच्चे हैं, ठीक है भाई, इस बच्चे को यहाँ लेके आओ। अगर आपने ये बच्चा इसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया तो ईसा मसीह बुरा मान जाएंगे, ये पाप हो गया। तो तुम और है, और जी है। मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताओ। ये जो और लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किसने क्या कहा या क्या। फिर तू नो बता कि हिंदू धर्म एक बेकार कैसे है, बस पहले मेरे को ये बता, ईसाई धर्म को भी छोड़ दे। मैं बेकार कहाँ कह रहा हूँ? तो फिर तूने हिंदू से तू मुस्लिम ईसाई बना क्यों? इसलिए बना क्योंकि मेरा अपना मन कह रहा है। जब अच्छा तू अपने माँ बाप को छोड़ देगा बिना, वो बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद भी तेरे माँ बाप छोड़ दिए तो भी ईसाई है भाई। हाँ आजा, तू भी आजा, एक और ईसाई आ गया, एक और भी था वो आजा रहा, तू भी आजा। गणे इकट्ठे हो रहे हैं भाई, ये तो कति राक्षस आ जाना दोस्त। तू भी हिंदू है? एक यो भाई, कोई बात है, किस बात ना। नाम क्या भाई? भागीरथ। गंगा नाम तेरा? नाम प्रवीण है। तेरा धर्म क्या भाई? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म क्या बैकग्राउंड से है? मतलब माँ बाप हिंदू थे, दादा दादी भी हिंदू। तू ऐसा ही बन गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तेरा बैकग्राउंड में क्या है? माँ बाप हिंदू धर्म, माँ बाप का। तेरा इस चीज के पीछे पैसे मिल रहे तुमने? फिर क्या थी भाई, तुम अपने धर्म ने क्यों छोड़ना आ रहे हो? नो बता दे भाई, हमारे देश का संविधान है, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश का संविधान है लोग। मेरा नाम रविंदर, रविंदर दिया नाम है। यो भाई नो बोला भाई, मैं तो नहीं ऐसा ही बनाऊंगा, मैं बना दे भाई अड बैठ के। नो बोला यो नु कह बोला, हमारा जो धर्म है ना, जो हिंदू धर्म, वो बहुत ही मतलब बेकार है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। और ईसाई बहुत बढ़िया धर्म है। तू क्या कहता था? अगर हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, तू अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, मैं अपने जीवन से पूर्णता संतुष्ट हूँ एक हिंदू होकर। पानी पिया दे भाई। तू बता दे किस तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्या हुआ है हिंदू धर्म में जिससे तू असंतुष्ट होया? संतुष्ट नहीं है तू अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, मैं अपने जीवन से पूर्णता संतुष्ट हूँ एक हिंदू होकर। पानी पिया दे भाई। तू बता दे किस तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्या हुआ है हिंदू धर्म में जिससे तू असंतुष्ट होया? ऐसे मैंने ऐसे मैं ही नहीं कह रहा हूँ, कुछ हुआ है भाई। कुछ तो हुआ होगा भाई, ये भाई किसी ने ज्यादती करी हो तेरे हिंदू धर्म के साथ होते हुए, ऐसे भगवानों ने तेरी गला कुछ कर दिया हो, और क्या समस्या आई हो तेरे परिवार में भाई? क्यों बनू मैं? तू बना? अरे मैं बनूंगा ऐसा ही, मैं क्रॉस टांगे पाऊंगा अगले हफ्ते। हमारे घर में क्रॉस दिख रहा है आपको? अरे तू बता क्यों बना हमेशा? हाँ। ये सब चीजें जैसे गांधीवादी होते हैं ना, वैसे हाँ। ईसाई वाले हम ना तो गांधीवादी है, हम तो आम भगत सिंह वादी करती है, ठीक है, कभी क्रांति का ही बता रहा है, रिस्पेक्ट करता है ना। फिर तू यार ईसाई क्या दी बना हो लोगों ने? आज का खतरा हमारे देश में जो सबसे ज्यादा खतरा है ना, वो ईसाइयों से है। लोग चला रहे हैं फेसबुक पे भी, टीवी पे भी, मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है, खतरा है तुम्हारे जैसे लोगों से जो तुम खुद हमारे बीच में गद्दार बैठे हो। समझ में नहीं आ रही यार, हिंदू कितने आदमी इतने से देखे हैं जो हिंदू से मुसलमान बने हैं? सॉरी नहीं भाई, पति भी सेटिस्फाई करके जाओगे? नू बताओ हिंदू तक कितने का आदमी मुसलमान बढ़ते देखे? अरे देखे रोज कुछ अंग्रेज भी आ रहे बेरा के कहे भाई, हम तुमने इंग्लिश सिखाओगे, अंग्रेजी बोलना सीखोगे, एक हफ्ते की क्लास होगी, दो हफ्ते की क्लास होगी, कुछ ना सिखावा हमने बेरा है अंग्रेजी, कितनी अंग्रेजी बोलनी सिखा, उड़ा जाकर ब्रेन वॉश करते प्रभु ईसा मसीह, बस वो प्रभु दिखेगा। तना अपने धर्म के नाम बता था भाई ना, प्रवीण क्या कमी लगी तना अपने हिंदू धर्म में? तू सब तो बड़ा लगा मैं बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में बड़ा खराब कर रहा, लाइफ बड़ी खराब थी। मैं क्या कर लिया सुल्फा गांजा से की आदत बुरी आदतों में दम, वो हिंदू धर्म के कारण थोड़ी हुआ, वो आपकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ, क्योंकि मैं आया प्रभु ईसा मसीह के पास तो मेरे जीवन में बदलाव आया। बड़ा था प्रभु ईसा मसीह के बैठ फेंका था ना, बाइबल से पढ़ा मैंने, बाइबल में फेंका तना, उड़ा राम ना दिखा था ना रामायण में, गीता में कृष्ण के श्लोक ना पढ़े हुई, मुझे यीशु मसीह अच्छे लगे उनके। यीशु मसीह तो जब अच्छे देख, हम कंपैरिजन कब कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों चीजों और हमने दोनों चीजों का अध्ययन कर रखा हो, और उस देखे मुझे कैरेक्टर लोगों का सही लगा, मुझे कैरेक्टर की छोड़ तू, जब मैं ये बताऊंगा कि भाई देख तीन चीज हमारे पास रखा हो, और उस देखे मुझे कैरेक्टर लोगों का सही लगा, मुझे कैरेक्टर की छोड़ तू, जब मैं ये बताऊंगा कि भाई देख तीन चीज हमारे पास, तीन आदमी माँ के लिए आदमी तो मिल गया, प्रवीण इज अ गुड पर्सन, ठीक है, मैं दोनों आदमी मिल गया भाई, ही इज बेटर, क्योंकि मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए दो आदमी है, फिर मैं इस भाई से मिला भाई, ही इज द बेस्ट,
पर यो या ये सिस्टम कब हुआ था मेरे तीनों मिले तू यीशु मसीह ने बेस्ट जब बता सका था मेरी बात सुने जब तक गीता भी पढ़ रखी होती कुरान भी पढ़ रखी होती और बाइबल भी पढ़ रखी होती जब तीनों चीजों का अध्ययन करने के बाद जब तेरे को पता लगता ना 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 भाई बाइबल ही बेस्ट है बता रहा हूँ जब तक गीता नहीं पढ़ी जितना बाइबल बेस्ट के ऊपर लगी बताओ यीशु मसीह के बारे में मुझे बता सकते कि वो पापों की क्षमा करते हैं और मुझे बस पापों की क्षमा चाहिए कौन से पाप कर दिए थे बहुत सारे पाप के पाप कराया मुझे बताना मुझे क्या किसी का मर्डर कर रहा था नहीं फिर पाप क्या करा झूठ बोलना गलत काम झूठ बोलना क्यों बोली भाई तूने झूठ ठीक है रविंद्र जी आप अपने ये छोड़ ये सुने ये तू ईसाई बन गया ये झूठ बोला कर तू तो हिंदू धर्म रहते हुए भी तू झूठ नहीं बोल सकता लेकिन मेरी लाइफ में बदलाव आया क्या बदलाव आया मेरे भाई बुरी आदतें थी वो सब कौन सी बुरी आदतें थी नशा करने की नशा करना वो तूने खुद पकड़ी थी क्या तू अपनी माँ के पेट से जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन सिगरेट लेके आया था आपके और हमारे विचार अलग 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 नहीं है भाई सैटिस्फाई करो मैं वो मसल आप जबरदस्ती नहीं कर सकते नहीं भाई जबरदस्ती तो मैं कैसे करूँ ना इस तरीके से भाई तू मन तुम यार मन सैटिस्फाई कर दो सुल्फा पीने की आदत किसने पकड़ी मैंने पकड़ी थी किस उम्र में पकड़ी जंग था 17-18 साल का था आप ईसाई होते तब भी पकड़ सकते थे हिंदू होते तब भी पकड़ सकते मुसलमान होते तब भी पकड़ सकते थे बौद्ध होते तब भी पकड़ सकते अगर आप अपनी माँ के पेट से सुल्फे की सिगरेट लेकर निकलते ना तो मैं कहता यार हिंदू धर्म तो बहुत गंदा है हम बच्चे तो पेट माँ के पेट से सुल्फे की सिगरेट लेकर निकले हैं गलत आदत आपने पकड़ी झूठ बोलना किसने सीखा मैंने सीखा आपने सीखा सभी लोग शुरू होगा सब बोलते हैं अभी बोलते हो तो पहले भी छोड़ सकते थे आप इस चीज को क्यों नहीं छूटा बाइबल की शिक्षा मुझे मिली तब मेरी लाइफ में बदलाव क्या बाइबल में ऐसा क्या लिख रखा है ये गीता में लिख रखा भाई झूठ बोलना सुनो हमने देखे मैं छोटा था जब पढ़ा करता भाई झूठ बोलना पाप ठीक है अच्छा हमें किसी की जान बचाने के लिए अभी भी झूठ बोल सकते हैं अगर मेरे झूठ बोलने से इस आदमी की जान बचती है ना तो वो पाप नहीं है क्या गीता में बाइबल में लिख रखा है ये मना है ना और बताओ क्या गलत आदत छोड़ी आपने मैं और बात नहीं करना ना भाई देख नू मत करो प्रवीण भाजो मत ना ऐसे नहीं कर सकते अरे यार भाजो प्रवीण भाई ना तुम्हारा आप भी गांव के बंदे मैं भी गांव का बंदा भाई ना तुम्हारा भाई है मरवाने का हूँ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोई बात नजफगढ़ मैं रोने मतलब कुछ भी फर्क होना नजफगढ़ चलाएंगे क्यों भाई क्या नाम था कबीर कबीर कहाँ का है और एक ऐसी चीज बताओ भाई जिस तरह मैं लग गया भाई हिंदू धर्म गलत है मैं भी प्रचार करूँ मजा मन है मजा मेरा किसी तुम्हारे है इन्हें बंद कर दूंगा मैं वीडियो ना इन्हें तो बंद कर दूंगा ये ले या बंद कर दी मैं इन भाई अकेला फिर नारी डाल की बात करूँ है ना पर तू तो बता दे कि भाई ठीक चुपकर है अब देखो आर्गुमेंट के समझ में तू ऐसा ही नहीं बता दे ऐसा ही ठीक करके तू मेरा हिंदू धर्म हिंदू धर्म लाइफ बदला अगर मैं भाई जो चीज तूने खुद शुरू करी है वह तू खुद बदलना अगर है तो बाइबल ने क्यों कर बदला हो अगर तू जन्म तय पैदा होता ना ये चीज लेकर तो मैं मानता भाई हिंदू धर्म मतलब जन्म से बच्चे ही झूठ बोलना सीखते हैं गंजा सीखते हैं सल्फा पीना सीखते हैं इनके नौकरी कर रहा तू एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हूँ क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन मैं जिम में भी अभी इससे पहले जिम में काम करता था हाँ क्या एडमिनिस्ट्रेशन में चर्च के एडमिशन के लिए काम करता चर्च के लिए काम करो ईसाई मिशनरी के लिए काम करो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हाँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी मतलब यही है प्रशासन में काम करो तुम उसका थारी एक ब्रांच बना रखी है उसमें तुम ना भाई देखना है कि कैसे बंदे हायर करने हैं कैसे लोगों को अपने इन्वेस्ट करना हाँ अपना चर्च क्रिश्चियन मूवमेंट होता है यहाँ पे पिलर नंबर 571 के बाद मैं आना चाहूंगा मेरे को कार्ड दो या कुछ भी करो मैं आना चाहूंगा वहां पर मैं देखना चाहूंगा भाई मैंने भी तो बहुत घने पाप कर रखे छत्ते पापी आदमी मानी मैंने तुम तो खा ले तो सुलभा तुम पीता को ना ठीक है पर पाप तो करे रखे है मेरे यार एक आदमी तुमने डंका मिलना था उससे दूर कार्ड को ना थारे दूर मेरा नंबर ले लीजिए हाँ नंबर ठीक है भाई ये बहुत बड़ी आदमी थे ईसाई मिशनरी मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक आधा कोई शेयर करा तो शेयर कर दियो बाकी इतना खतरा हमारे देश को मुसलमानों से नहीं है जितना इनसे है ये तीन भाई ऐसे छुपे छुपे गद्दार जो कभी चक्कू लेकर बैठे हैं कितने भी घोप सके हैं ध्यान रखियो अपने धर्म के प्रति अड़िग रहो सजग रहो जय हिंद जय भारत क्या कर रहे मेरा फाइनेंस का